हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कुकिंग विद बेबी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे लड्डू, वो भी मखाने से। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी। और आप तो सभी जानते हैं इस चीज़ को कि मखाने जो है कैल्शियम से भरपूर होते हैं और डायबिटीज पेशेंट भी खा सकते हैं इसको, और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। इनको गर्मी और सर्दी में कभी भी खा सकते हैं। आराम से आपको किराना शॉप में मिल जाएंगे, यहाँ तक कि पूजा की दुकान में भी ये मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक बड़ी भारी सी कढ़ाई ली है। इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे, लगभग 2 टेबल स्पून, और उसमें सबसे पहले हम भूनेंगे थोड़े से बादाम और काजू। आप सोच रहे होंगे लड्डू तो मखाने के बना रहे हैं, लेकिन थोड़े से इसमें हम और भी ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो घी को मेल्ट होने देंगे। हमारा घी गर्म हो गया है, अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ये मैंने बादाम और काजू लिए हैं थोड़े से। आप इसकी जगह कुछ दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी यूज कर सकते हैं। आप इनकी क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लो को मीडियम ही रखेंगे या लो फ्लेम पे। इनको बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, बिल्कुल हल्का सा ही भूनना है, लगभग 2-3 मिनट के लिए। कभी कभी हमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह के लड्डू सर्दियों में खाने चाहिए, अच्छे रहते हैं, बच्चों को खिलाने चाहिए। बच्चे ऐसे तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह, यदि हम बादाम वगैरह भिगो कर रखते हैं, कभी रखते हैं, कभी भूल जाते हैं, अच्छे से नहीं खिला पाते, तो ये खिलाने का अच्छा ऑप्शन है। देखिए हमारे भून चुके हैं। मखाने मैंने पहले इसलिए नहीं भूने कि वो पूरा घी जो है एक ही बार में सोख लेते, तो इसलिए मैंने पहले इनको भूना। अभी हम सेम इसी कढ़ाई में अपने मखाने भून लेंगे। अब यहाँ पर ये मैंने लगभग 50 ग्राम मखाने होंगे मेरे पास, खिले खिले हैं एकदम। देखिए इनको जो है ऐसे ही मीडियम टू लो फ्लेम पे थोड़ी देर भून लेंगे। हल्का सा कलर इनका हल्का सा चेंज होएगा, सुनहरा सा, और क्रिस्पी हो जाएगी एकदम। दोस्तों, इन लड्डू को हम जो गुड़ वाले लड्डू बनाएंगे मखाने से, यदि हम व्रत में हैं तो व्रत में भी खा सकते हैं। एक लड्डू यदि आप खा लोगे तो आप काफ़ी देर तक फिर भूख सहन कर पाओगे। ये मैंने यहाँ पर नारियल एक उसमें ग्राइंड कर लिया है मिक्सिंग जार में। सूखा वाला गोला था मेरे पास, आप चाहें तो नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं जो सूखा वाला आता है। देखिए हमारे मखाने भी भून चुके हैं। मखाने को तो आप ऐसे ही भूनकर नमक वगैरह डालकर भी खा सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं स्वास्थ्य के लिए, और किसी भी मौसम में खा सकते हैं, गर्मी में, सर्दी में, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनको हम गर्मी में नहीं यूज कर सकते। तो देखिए दोस्तों, हमारे मखाने भी भून चुके हैं। इसको हम नॉन स्टिक कढ़ाई में ना भूने तो अच्छा है, थोड़ी भारी कढ़ाई में भूनने से ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। अब हम इनको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये मेरे पास थोड़ी सी किशमिश है, इनको भी बिल्कुल हल्का सा हम भूनेंगे, एकदम 2-3 सेकंड के लिए ही, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बिल्कुल ज़रा सा यदि लगे तो घी डाल सकते हैं इसमें, और निकाल लेंगे। अब हम सेम कढ़ाई में 1 टेबल स्पून घी फिर से लेंगे। अब इसको मेल्ट होने देंगे। देखिए अब हमारा घी मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें 150 ग्राम गुड़ का पाउडर डालेंगे। ये मेरे यहाँ पाउडर फॉर्म में मिलता है, यदि आपके पास मोटा वाला गुड़ है तो आप उसको कद्दूकस करके या छोटा छोटा कूट कर भी इसको डाल सकते हैं। और इसमें 1-2 टेबल स्पून हम पानी भी ऐड करेंगे। इसको हमें मेल्ट करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे, कोई हमें इसका तारवार नहीं लेना है, ये बहुत जल्दी से ही जम जाता है फिर बाद में, तो इसलिए बस इसे मेल्ट होने तक पिघलाना है। इसी तरह से चलाते रहेंगे इसको बीच बीच में। अब जब तक हमारा ये गुड़ मेल्ट हो रहा है, हम इनको थोड़े से का पाउडर बना लेंगे और कुछ ड्राई फ्रूट्स को इसी तरह रखेंगे, ताकि मोटे मोटे चंक्स जब हम खाएं हमारे मुंह में आए तो अच्छा लगे एकदम। यदि हम सारे का पाउडर बना लेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसमें ड्राई फ्रूट ऐड किए हैं। तो देखिए हमारा ये गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें अपने ये नारियल का बुरादा ऐड करेंगे जो हमने बनाया है पीसकर, और किशमिश। गैस को इस समय पे या तो आप एकदम लो फ्लेम पे कर दें या तो बंद कर दें, और इसे अच्छे से मिक्स करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने ये मखाने जो हमने पाउडर बनाए हैं, आधे मैंने रख लिए हैं, हम दूसरे लड्डू में यूज़ करेंगे। ये मैंने कुछ बेलन से थोड़े से मखाने कूट लिए हैं ताकि ये थोड़े मोटे मोटे रहें, इनको भी ऐड करेंगे इसमें।
ये थोड़ा थोड़ा मैं इसलिए बचा रही हूँ, मुझे भी दूसरे तरह के भी लड्डू बनाने हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें अपने बादाम और काजू का पाउडर जो हमने बनाया उसे भी ऐड करेंगे। थोड़े से काजू और बादाम को मैंने इमाम जिस्ते में थोड़ा मोटा मोटा फोक लिया है, उनको भी इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से इनको मिक्स करेंगे। देखिए अब हमारा ये पूरी तरह से बनकर मिश्रण तैयार है। हम इसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट करेंगे और यदि हमें ज़रूरत लगेगी तो हम इसमें या तो थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं या तो थोड़ी सी फ्रेश मलाई ऐड करके इसके लड्डू बनाएंगे। अच्छे से पहले इसे हाथ से मिक्स करेंगे। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है लेकिन ये हमें थोड़े से गर्म गर्म के ही बनाने होते हैं, नहीं तो फिर बहुत जल्दी जम जाता है। मैं थोड़ा सा और घी ऐड कर रही हूँ, मुझे इसमें कम लग रहा है क्योंकि हमने केवल 3 टेबल स्पून घी का यूज किया है, थोड़ा सा घी और लगेगा अभी इसमें। अब हम इसमें थोड़ी सी फ्रेश मलाई ऐड करेंगे ताकि ये लड्डू अच्छे से बन पाए। अगर दोस्तों आपको घी एकदम स्किप करना है, ज़्यादा घी नहीं डालना है, एकदम हेल्दी लड्डू बनाने हैं तो आप इसकी जगह पे आप मलाई भी नहीं यूज करनी है तो आप थोड़ी सी चाशनी बना सकते हैं, उसके लिए कोई तार वार लेने की ज़रूरत नहीं होती। और यदि आप इस लड्डू को बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए रखने वाले हैं और बच्चों को कहीं आपके बच्चे बाहर रहते हैं देने वाले हैं तो फिर आप मलाई या दूध का इसमें इस्तेमाल ना करें क्योंकि उसको हम बहुत ज़्यादा दिन नहीं रख सकते। और आप यदि इनको सर्दी में बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा आप सौंठ का पाउडर ऐड करेंगे तो और भी अच्छा सा फ्लेवर आएगा उसका, बहुत टेस्टी लड्डू बनेंगे। अभी गर्मियों के दिन हैं तो मैं नहीं बना रही हूँ। देखिए इस तरह से हाथ को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे घी से और हम उसके लड्डू बनाएंगे, जितने भी बड़े या छोटे हमें बनाने हैं बना सकते हैं। देखिए इस तरह से ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं और गुड़ तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। देखिए इसमें कितना घी भी दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा। आप घी या कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है इतना ही घी डालें, आप चाशनी का भी यूज कर सकते हैं। देखिए हमारे सारे मखाने के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम बेसन के लड्डू बनाएंगे। अब मैंने फिर से कढ़ाई ली है, इसमें मैं 3 टेबल स्पून घी डालूंगी। वैसे तो बोलते हैं दोस्तों कि जितना बेसन उतना ही घी डालना चाहिए लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हम कम घी से भी बेसन के लड्डू बना सकते हैं, एकदम टेस्टी और हेल्दी। अब हम इसको मेल्ट होने देंगे अच्छे से। देखिए हमारा घी मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें एक कटोरी लगभग 1.5 कप बेसन डाल रही हूँ। अब इसको एकदम हम लो फ्लेम पे भूनेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना है और इसके लिए हमें भारी कढ़ाई का ही यूज़ करना है। यदि मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं थोड़ा सा घी और ऐड करूँगी इसमें, एकदम इसको सूखा सूखा भी नहीं भून सकते। अभी मैं इसमें 1 टेबल स्पून घी और ऐड करूँगी, ये एकदम सूखा मुझे लग रहा है, और इसे अच्छे से इसी तरह से चलाते हुए भूनना है एकदम लो फ्लेम पे। आप इसमें मोटे या बारीक कोई से भी बेसन का यूज कर सकते हैं, यदि आप मोटे बेसन का यूज करेंगे तो थोड़े से लड्डू और भी ज़्यादा क्रिस्पी से बनेंगे। देखिए इस तरह से चलाते हुए इसे भूनना है, ये बाद में थोड़ा सा घी छोड़ता है तो थोड़ा खुद भी ये लूज सा हो जाता है। देखिए इस तरह से शुरू में लगता है कि घी कम है, बाद में थोड़ा छोड़ने लग जाता है जैसे ही भूनता है और बड़ी अच्छी सी स्मेल आती है। ये हमारी कढ़ाई भारी है, थोड़ी देर में हम अब देखिए इसे गैस को बंद कर देंगे ताकि ज़्यादा भी ना जल जाए, थोड़ा सा बाद में भी इसका कलर चेंज हो जाने वाला है इसमें क्योंकि काफ़ी देर तक ये कढ़ाई गर्म रहती है। ये मेरे सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जो मैंने मोटे कूट लिए थे और पाउडर बनाया था, इनको एक जगह कर लिया है। अभी मैं इसमें 150 ग्राम बूरा ऐड करूँगी, लगभग 1.5 कटोरी, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, यहाँ पर बूरा या खांड का ही यूज करें तो अच्छा है। ये मैंने इसलिए थोड़ा सा ग्राइंड कर ली है, ये थोड़ी जम गई थी डब्बे में रखने के बाद, थोड़े मोटे डले टाइप बन जाते हैं इसके, तो इसको आप मिक्सी में चला कर ग्राइंड कर सकते हैं। ये मेरे पास थोड़ा सा रोस्टेड मूंगफली का पाउडर है दरदरा पिसा हुआ, इसको भी मैं इसमें ऐड करूंगी ताकि थोड़ा इसको पहले इसलिए किया थोड़ा सा और भुन जाए अच्छे से। ये बिल्कुल आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो स्किप कर देना।
देखिए हमारे बेसन का कलर एकदम परफेक्ट आ गया। गैस को बंद कर देंगे। अभी ये हल्का सा इसमें और भी भुन जाएगा कढ़ाई में, क्योंकि ये भारी है। अब इसमें हम अपना ये बूरा और ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए ये हमारा मिक्स हो गया। अभी मुझे सूखा लग रहा है तो मैं इसमें फ्रेश मलाई ऐड करूँगी जितनी ज़रूरत लगेगी। आप चाहें तो इसमें भी चाशनी का यूज़ कर सकते हैं यदि आपको लड्डू ज़्यादा समय तक के लिए रखने हैं तो। और इसको मिक्स करेंगे और इसके भी इस तरह से लड्डू बनाएंगे। सेम उसी तरह से घी से हाथ को ग्रीस करके हम लड्डू बनाएंगे इसके, जितने भी बड़े छोटे हमें बनाने हैं। ये हल्का हल्का सा गुनगुना है अभी। देखिए हमारे दोनों तरह के लड्डू बनकर तैयार हैं। हमें अलग अलग तैयारी भी नहीं करनी पड़ी ज़्यादा दोनों के लिए। आप इस रक्षाबंधन पे भी इन्हें बना सकते हैं, सर्दियों में भी बनाकर रख सकते हैं, खा सकते हैं। इसमें सौंठ वगैरह का पाउडर आप यदि ऐड करेंगे, और यदि आप गर्मियों में बना रहे हैं तो सफ़ेद मिर्च जो होती है जिनको दक्षिणी मिर्च बोलते हैं वो डाल लीजिए। वो बहुत अच्छी होती हैं आँखों के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। उनका भी हमें कभी कभी यूज़ करना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। यदि आप मेरे चैनल पर आज ही जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।